कुछ खत्म हो गया है। पशुओं की हड्डियां और सूखी पड़ी भूमि वीरान हो गई है। तेज चिलचिलाती धूप से पृथ्वी आग उगल रही है। चारों तरफ धूल भरी अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तपाती भूमि की गोद में सोकर मेरे होठ पानी के लिए तरस रहे हैं। गला सूख रहा है। मैं एक एक पानी की बूंद के लिए झटपटा रहा हूं, जिससे यह सारी समस्या उत्पन्न हुई है। वो ही प्लास्टिक की बोतल नजर आ रही थी, मानो कुछ पानी मिल जाए और मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो जाए। मैं इस इच्छा से बोतल को बार बार झंझोर रहा था, कहीं पानी की एक बूंद प्राप्त हो जाए। तेज धूप की किरणों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना मानो अमृत प्राप्त करने जैसा प्रतीत हो रहा था। मैंने सुना था पूर्व दिशा की ओर पानी के स्रोत हैं, जहां जीवन यापन किया जा सकता है। मेरे पास एक नक्शा है, जिसकी सहायता से मैं पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। समय आ चुका था जब एक इंसान दूसरे इंसान को पानी के लिए मार रहा था। मैं धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। अचानक झाड़ियों के बीच में से मेरे पे हमला हो जाता है। वो मेरे पर पानी के लिए हमला करता है। मुझे ये देखकर उस पर दया आ जाती है। मैं उसे पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए कहता हूँ। वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दूरी तय करते हैं, एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पानी पानी चिल्ला रहा हो। पानी पानी पानी, पानी।
वृक्षों की जड़ दिखाई दी, जिससे कुछ जल प्राप्त हो जाए, इसलिए हम उनकी खुदाई करने लग गए। अचानक हमें एक पेड़ दिखाई देता है, जिससे हम जल प्राप्ति के लिए उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही उसके होठों को पानी लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो हमारे साथ पूर्व दिशा की ओर चलने लग जाता है। एक ओर जहां प्रदूषण पूरी तरह फैल चुका है, वहीं पूर्ण रूप से तबाही भी मचा रहा है। प्रदूषण धीरे धीरे इस पृथ्वी से मनुष्यों को खत्म कर रहा है। अगर हम अब भी जल नहीं बचाएंगे तो इसी प्रकार स्थिति होगी और विनाश ही विनाश होगा। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जल ही जीवन है। बाय।